हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रिज्यूम के बारे में। रिज्यूम मतलब एक बायोडाटा होता है, उसको हम सीवी भी बोल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, रिज्यूम की अगर हम बात करते हैं तो आज मैं आपको मेरी चैनल लॉयल इन्फिनिटी में बताऊंगी कि रिज्यूम में कैसे कैसे बनते हैं, रिज्यूम में कैसे कैसे अपडेट होते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स रहती है। पहला टॉपिक है कि रिज्यूम में क्या होते हैं, रिज्यूम में कैसे बनाए जाएंगे और रिज्यूम में बनाते समय क्या क्या करें और क्या ना करें। चलिए दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, रिज्यूम में क्या होता है। दोस्तों, रिज्यूम में क्या होता है, अगर हम बात करें तो रिज्यूम में एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा उसके करियर बैकग्राउंड, स्किल और उपलब्धि को प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल डिटेल के बारे में शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त में लिखा होता है, जैसे शिक्षित, योग्यता, कार्य अनुभव, हुनर और उपलब्धियाँ आदि। किसी भी जॉब में सिलेक्ट होने के लिए रिज्यूम में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। दोस्तों, एक अच्छा रिज्यूमे इंटरव्यूअर पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। मतलब कि दोस्तों, अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होता है तो वो एचआर जब इंटरव्यू लेते हैं तब उनको एक अच्छी पर्सनालिटी दिखती है दोस्तों। दोस्तों, क्योंकि रिज्यूमे की वो जरिया होता है जिससे इंटरव्यूअर आपकी स्किल, वर्क एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस को आंकता है, इसी से इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस होता है और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। मतलब कि दोस्तों, रिज्यूमे आपका स्ट्रांग होता है तो आपका सिलेक्ट होने का चांसेस भी बढ़ जाता है दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। तो पहला हम बात करते हैं, एमएस वर्ल्ड को आपको खोलना पड़ेगा। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे एमएस वर्ल्ड आपको दिखेगा, उसमें से आपको एमएस वर्ल्ड खोल के सबसे पहले एमएस वर्ल्ड ओपन करना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा न्यू में जाके आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप न्यू पे जाओगे तो आपको एक ऐसी एक स्क्रीन दिखाई देगी, उसमें ऐसा ही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अगर आप दूसरे स्टेप की बात करो तो सर्च बॉक्स में रिज्यूम लिखकर सर्च करना है। मतलब कि दोस्तों, अगर आप न्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ एक सर्च बॉक्स दिखेगा आपको। मतलब कि दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे न्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपको लिखना है रिज्यूमे। जैसे ही आप रिज्यूमे लिखोगे दोस्तों, तो आपको इस तरह के अलग अलग, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे फॉर्मेट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको उसका टेम्पलेट दिखने लगेगा। टेम्पलेट मतलब कि टेम्पलेट के अंदर आपका नाम एडिट कर सकते हो, आपकी इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हो, जिसका आउटलेट ऐसा ही रहेगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप ये पसंद करोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, जिसमें आप एडिट कर सकते हो आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ आप उसमें एडिट कर सकते हो। उसको टेम्पलेट बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर हम टेम्पलेट की बात करते हैं तो तीसरे स्टेप पे आते हैं, रिज्यूम में टेम्पलेट चुने और क्रिएट पर क्लिक करें। इसमें आपको स्क्रीन दिख रही होगी दोस्तों, जैसे कि ये जो आप क्लिक करोगे फर्स्ट पे, अगर आप क्लिक करना चाहते हो तो क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। ऐसी स्क्रीन में आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको इसका टेम्पलेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। टेम्पलेट मतलब कि आपको ऐसा एरिया दिखेगा दोस्तों। देखिए, रिज्यूम एडिट करना है, अब आपको ऐसा वर्ड में दिखने लगेगा दोस्तों। अगर आपका रिज्यूमे डाउनलोड होकर वर्ड में टेक्स्ट एरिया में एडिट करने के लिए आ जाएगा, अब आप इसमें बदलाव कर सकते हो, जैसे कि आपकी जानकारी अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे आपका नाम लिख सकते हो, नीचे जॉब टाइटल लिख सकते हो, यहाँ पे आपकी फोटो डाल सकते हो, यहाँ पे आपका खुद का प्रोफाइल लिख सकते हो दोस्तों। वैसे आप अलग अलग एडिट कर सकते हो अगर आपको इजी ऑप्शन चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाना होता है, मतलब कि रिज्यूमे में क्या क्या चीज आनी चाहिए। ये हो गया कि आपको रिज्यूमे कैसे क्रिएट करना है, मतलब कि आपका फर्स्ट स्टेप की रिज्यूमे आपको दिखना स्टार्ट होगा। अब आता है कि आपको उसमें अपडेट क्या क्या करना है। पहला है आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, अपने बारे में थोड़ी चीज़ें लिखनी है इंटरेस्टिंग, कि आप क्या हो, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप कैसे कैसे आगे जा रहे हो वो। अपनी फ़ोटो ऐड करनी है, सातवां स्टेप है। अगर आपकी फ़ोटो प्रोफेशनल हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं है तो एक फॉर्मल फ़ोटो आप डाल सकते हो दोस्तों। अपना कार्य अनुभव लिखना है, मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस, आप कितनी कितनी जगह पे अभी तक वर्क कर चुके हो, कौन सी डेजिग्नेशन पे वर्क कर चुके हो, उसके बारे में आपको लिखना है। आपकी शिक्षा से जुड़ी जानकारी लिखनी है, अगर दोस्तों आपने 10th 12th MBA BCA MCA जो भी कंप्लीट किया हो उसकी पूरी जानकारी आपको आपके रिज्यूमे में डालनी है, जिससे आपका
रिज्यूमे स्ट्रांग बनेगा, सामने वाले को पता चलेगा कि आपने ये पढ़ा हुआ है और आपके पास इसका नॉलेज है। दोस्तों, अपने शौक और उपलब्धि के बारे में भी लिखना है। कई बार होता है कि हम कर तो रहे हैं सीए, बट हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारा एक शौक होता है स्पोर्ट में खेलने का, ट्रैवलिंग करने का, म्यूजिक सुनने का, तो वो सब कुछ भी आपको उसमें मेंशन करना है। तो इन फ्यूचर अगर आप उस कंपनी में ज्वाइन होते हो और उसके रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप जल्दी से ग्रैब कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको आपके रिज्यूमे में मेंशन करनी पड़ेगी और आपका रिज्यूमे उससे स्ट्रांग बहुत ही होगा। दोस्तों, 11वें में बात करते हैं, 11वें पॉइंट की, तो अपना रिज्यूमे डाउनलोड करें। तो पूरा रिज्यूम बन गया है, आपने डिटेल्स डाल दी है, सब कुछ हो गया है। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। अगर आपका रिज्यूम वर्ड में रेडी हो जाता है, अब आपको सेव करना होता है। ऊपर एक स्क्रीन के ऊपर सेव करके बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। सेव करके फाइल पर क्लिक करें और आपको सेव एज का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपकी फाइल में चेंजेस हो रहे हैं, तो यू हैव टू क्लिक अबाउट द सेव एज। सेव एज का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको और डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको वर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक क्लिक करके स्क्रॉल करने पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन भी मिलेगा। मतलब कि दोस्तों, आपको वर्ल्ड में देना है या फिर पीडीएफ में देना है, इट्स टोटली अपॉन यू। आप कोई भी दोनों में से एक चॉइस कर सकते हो। बस उसे सिलेक्ट करके आपका रिज्यूमे पीडीएफ में कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा दोस्तों। मतलब अगर आप वर्ड में सिलेक्ट करते हो तो वर्ड में होगा कन्वर्ट, पीडीएफ में करते हो तो पीडीएफ में होगा। अब अगर आप इसके लिए रेडी हो गए हो, तो शेयर पर क्लिक करें और उस लिंक को ईमेल, वेब पेज, ब्लॉग, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। तो इस तरह दोस्तों, कंप्यूटर पर आप जब जॉब के लिए रिज्यूम फॉर्मेट बना सकते हो, जैसे आपका मन चाहे वैसे रिज्यूम बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे दोस्तों, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूम अपडेट करना है। हमारा ऑलवेज फर्स्ट स्टेप रहता है रिज्यूमे। अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपके जॉब के चांसेस कहीं पे भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या करना होता है अगर आपके रिज्यूमे बन रहे हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है बातें। पहली चीज़ है, आप जिस जॉब के लिए रिज्यूम बना रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या स्किल और रिक्वायरमेंट मांगी गई है। आप चाहे तो आसानी के लिए एक कंपनी की वेबसाइट भी देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, रिज्यूमे में सिर्फ वही जानकारी डालें जो आवश्यक है, जैसे उद्देश्य मतलब कि ऑब्जेक्ट, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, उपलब्धियाँ, कौशल्य मतलब कि स्किल्स, कार्य अनुभव आदि। फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप का ध्यान रखें। अगर फॉन्ट का साइज और टाइप समझने योग्य नहीं होगा, तो यह दिखने और समझने दोनों में अच्छा नहीं लगेगा और इंटरव्यू को समझने में आसानी नहीं रहेगी, तो आपका इंटरव्यू भी सही नहीं जाएगा। मेरा प्रेफरेंस है कि फॉन्ट साइज में ऑलवेज ऐसे फॉन्ट लेने चाहिए जो ईजी फॉर्मेट हो, आपको देखने में बहुत अच्छे हो। रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन लिखते समय आप बुलेट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, इससे यह पढ़ने में आसान हो जाता है। और अगर आप पैराग्राफ्स का यूज़ करते हैं, तो इससे इसमें समय भी लगेगा और ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि सब कुछ मैशअप दिखना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आप अगर बुलेट फॉर्म का यूज़ कर रहे हो, तो आपको वन बाय वन पॉइंट चीज़ें दिखेगी। अगर आप बुलेट फॉर्म का यूज़ नहीं करते, तो वो पैराग्राफ में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही चीज़ें पैराग्राफ में दिखती है, हम लोगों को थोड़ा मैशअप दिखने लगता है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना होता है दोस्तों। अब चीज़ें आती है, क्या नहीं करना है आपको। मतलब कि रिज्यूमे आप बना रहे हो, तो व्हाट आपको क्या नहीं करना है, व्हाट यू डोंट डू इन योर रिज्यूमे, एंड आपको रिज्यूमे बनाते टाइम वो चीज़ें कभी नहीं करनी है उसके रिलेटेड। कभी भी किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखे। इससे हो सकता है कि उसका फुल फॉर्म और उसकी जानकारी आपको पता हो, लेकिन इंटरव्यू को नहीं। मतलब कि दोस्तों, अगर हम कई बार लिखते हैं नो प्रॉब्लम, तो उसका हम लिख देते हैं एनपी, तो ये लिखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता होता है कि आपने कौन से माइंडसेट से वो शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है। रिज्यूमे में कभी भी नेगेटिव बात और अपनी वीकनेस ना बताएं, क्योंकि इंटरव्यूअर इससे अपने अनुसार समझेंगे। हो सके तो जब वो इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे, तब आप इसमें से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपकी वीकनेस क्या है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, बट नेवर एक्सप्लेन इन योर रिज्यूमे। अपने रिज्यूमे
में कभी कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि इंटरव्यू का ये रोज़ का काम होता है, जिससे कि वह बहुत ही जल्दी पहचान जाएगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जो भी आपके सामने इंटरव्यू लेने बैठ रहा है, वो एक एचआर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, जीएम हो सकता है, वीपी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप कौन से लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, बट उनके सामने डेली के 5, 10, 15, 20 इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। तो दे आर नो कि रिज्यूम में कौन सा कॉपी पेस्ट है, कौन सा एक्चुअल है, कौन सा रियल है, कौन सा फेक है। तो आपको रियल चीज़ें ही अंदर मेंशन करनी है और रियलिटी ही बतानी है। दोस्तों, ये हो गया रिज्यूमे की पूरी प्रोसेस, कैसे बनाना है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है। और आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहे आपकी जॉब के लिए। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि रिज्यूमे क्या होता है। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आगे भी मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चीज़ें देती रहूँगी। अगर आपको और कोई टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए जो आपको हेल्पफुल लगे, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।